रीवा जिले के रायपुर कर्शलियान गोलीकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से कट्टा व कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। रायपुर कर्शलियान थाने के गोरगांव निवासी देवेंद्र पटेल पर शनिवार की सुबह मोटरसाइकिल सवार होकर आए आशीष नामदेव पिता अशोक नामदेव निवासी उपरहटी थाना सिटी कोतवाली ने कट्टे से फायर किया था। गोली युवक के गले में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश कर रही पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। वह घर से बाहर भागने के फिराक में था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कट्टा व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जो उसने घर में छिपाए थे। उक्त युवक का पीड़ित के घर आना जाना था जिसको लेकर उसका पीड़ित के साथ विवाद था। क्या मामला था, उसको क्या हुआ? ये दिनांक 18/5/2023 को थाना रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत ग्राम गुरगांव 165 में सुबह गोली चलने की खबर ऐसी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की पुष्टि करते हुए जो घायल था फरियादी देवेंद्र पटेल पिता राजमणि पटेल उम्र लगभग 35 वर्ष, उसको लाकर रायपुर कर्चुलियान हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से SGMH उसको रेफर किया गया। और उसके द्वारा बताया गया कि आशीष नामदेव द्वारा देसी कट्टे से उसके ऊपर हत्या करने की नियत से फायर किया गया है, जिसमें तत्काल थाना रायपुर कर्चुलियान में 307 का मुकदमा कायम कर अपराध विवेचना में लिया गया और घायल को इलाज हेतु SGMH रीवा में भर्ती कराया गया। इसमें घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। उनके निर्देशन में टीम का गठन कर जो संदेही व्यक्ति था उसके संबंध में पतारसी की गई और उसको गिरफ्तार कर करके देसी कट्टा और उसकी घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको जब्त करके पुलिस रिमांड में भेजा गया। इसमें आरोपी के कुछ अन्य अपराध और हैं। चोरेटा सामान और बिछिया में पिछले आर्म्स एक्ट के और मारपीट के मुकदमे भी कायम है और इससे आरोपी से सोर्स के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। घटना की वजह उनका कुछ आपसी रंजिश है, तो घटना में जो महिला है उसके संबंध में उनसे कुछ संबंधों के कारण आपसी रंजिश के चलते उसने ये उसका देवर लगता है जो महिला है उसके ऊपर हवाई फायर किया। अभी इसके संबंध में कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है। जो रेफरल से जांच मौके पर घटनास्थल बुला के जांच कराई गई है और संबंध में आगे जो भी होगा वो बताया जाएगा।